हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स के स्पेशल एपिसोड नो ऑल में। इस वीडियो में आप जानोगे कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो क्या होगा और टाइटैनिक जहाज को आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया और दुनिया की एक ऐसी झील जिसमें जाने वाला बन जाता है पत्थर का। जी हाँ, तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लेक नेट्रॉन की। लेक नेट्रॉन वही लेक है जिसमें अगर आप चले जाएं तो आप पत्थर के बन जाएंगे और ये जो लेक है ये अफ्रीका के उत्तरी भाग तंजानिया में स्थित है। झील के किनारे पशु पक्षियों के स्टैचू नजर आते हैं। ये जो स्टैचू हैं ये असली मृत पक्षियों के हैं। जब पशु पक्षी झील में जाते हैं तो कुछ ही देर में कैल्सिफाइड होकर पत्थर के बन जाते हैं। इस पानी में नमक और सोडा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से अगर कोई भी चीज़ इसमें गिरती है तो वो तुरंत पत्थर की बन जाती है। और नमक और सोडा की ज़्यादा मात्रा ही मृत पक्षियों के शरीर को सुरक्षित भी रखती है। इस झील का पानी pH 10 तक खारा है और इस झील का तापमान 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस झील में वह तत्व भी पाया गया है जो ज्वालामुखी की राख में होता है और इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी ममियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर टाइटैनिक जहाज को समुंदर से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने बहुत पढ़ा या सुना होगा। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के लिए ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, मगर 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराने की वजह से वह दो टुकड़ों में टूट गया और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में जाकर समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 72 साल तक टाइटैनिक जहाज का मलबा समुंदर के अंदर अनछुआ ही पड़ा रहा था, लेकिन पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे की खोजकर्ता रॉबर्ट ब्लाड और उनकी टीम ने खोजा था, लेकिन आज तक ये मलबा समुंदर से बाहर नहीं निकाला गया है। यह जहाज जहाँ पर डूबा था वहाँ पर गुप्त अंधेरा है और समुद्र की गहराइयों में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का इतनी गहराई में जाना और जिंदा वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में टाइटैनिक जहाज को वापस लेकर आना तो एक हिसाब से नामुमकिन सा ही काम है, इसीलिए टाइटैनिक जहाज को अभी तक लाया नहीं गया है। और बताया जाता है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यह बहुत तेज़ी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुंदर में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुंदर में मौजूद बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे के बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें जंग लग रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अब टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। तो अब हम जानेंगे कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल का केंद्र पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी यानी अनंत बिंदु को दर्शाता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसके अंदर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करता है तो उसके शरीर के अंदरूनी अंग ब्लैक होल के असीमित गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चारों तरफ फटकर बाहर आ जाएंगे और ये देखने में काफ़ी दर्दनाक और अमाननीय लगेगा। इसीलिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने का प्रयास भी करता है तो उसे ब्लैक होल के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल को टालने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो ज़रूर ही करना पड़ेगा। जब कोई चीज़ ब्लैक होल के इवेंट ऑफ होराइज़न के पार चला जाता है तब उसका वापस लौटना लगभग असंभव ही है। इवेंट ऑफ होराइज़न को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकता। जब आपका शरीर धीरे धीरे
ब्लैक होल के केंद्र की ओर बढ़ेगा तब आपका सिर और पांव की उंगलियां इसके विपरीत दिशा में खींचते हुए चले जाएंगे और यह खिंचाव कुछ इस तरीके से होगा कि आपका शरीर दो हिस्सों में नहीं बटेगा। जी हाँ, इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्पिगिटिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इस दौरान आपका शरीर एक स्पिगिटी में तब्दील हो जाता है। फ्रेंड्स, ये देखने में एकदम नूडल की तरह लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।